मॉर्निंग बच्चों, आज शारीरिक शिक्षा, नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा, ये क्लास टेंथ का है, लेसन फर्स्ट। बच्चों, इसमें पहला टॉपिक है महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग। बच्चों, आप तो महापुरुषों जैसे महात्मा गांधी हैं, उसके बाद आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये अनेकों महापुरुष हैं जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए और एक आदर्श बने, ताकि हम उनका प्रेरणा ले सकें, उनसे सीख ले सकें। इनके बारे में हम बच्चों हम चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा देशभक्ति, त्याग, सत्य, प्रेम, श्रमदान और निस्वार्थ सेवा, अहिंसा और श्रद्धा। हाँ बच्चों, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग में हम पहला महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। महात्मा तथा राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित उत्कृष्ट नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक, उत्कृष्ट सिद्धांतों के आधार पर गांधीवाद के प्रवर्तक, इतिहास में गांधी युग के प्रेरणाता। 20वीं शताब्दी की विश्व की सर्वाधिक महान विभूतियों में एक महात्मा गांधी केवल राजनीतिक ही नहीं वरन एक महान समाज सुधारक, विचारक, व्यवहारिक आदर्शवादी, संत एवं मानवता के उपासक थे। भारत के इस महान संत मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य में पोरबंदर रियासत के सत्यवादी, निर्भीक तथा उद्धार हृदय परंतु क्रोधी स्वभाव के पिता दीवान करमचंद तथा अशिक्षित, अंधविश्वासी परंतु अपूर्व धार्मिक और सामाजिक परंपराओं एवं मान्यताओं में अटूट आस्था रखने वाली माता पुतलीबाई के परिवार में हुआ था। बच्चों, गांधी जी के जन्म के बारे में बच्चों जान ही गए। इनके पिता मोहनदास करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। मोहनदास एक मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेंड विद्यालय राजकोट में प्राप्त की और सन 1887 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भावनगर स्थित महाविद्यालय में प्रवेश लिया। एक पारिवारिक मित्र देवे के परामर्श पर उनके पिता ने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड भेजने का निश्चय किया। 4 दिसंबर 1888 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया और जाने के पूर्व गांधी जी ने अपनी माता की प्रतिज्ञा की कि मैं विदेश में मांस मदिरा और नारी का स्पर्श नहीं करूंगा। सन 1891 में जून में कानून की परीक्षा पास करने के बाद भारत लौट आए। 14 वर्ष की आयु मोहनदास का विवाह पोरबंदर के एक व्यापारी गोकुलदास मकानी के सपुत्र कस्तूरबा से हो गया। दोनों में अटूट विश्वास, निष्ठा एवं
अगाध प्रेम था। गांधी जी की अभूतपूर्व उपलब्धियां में श्रीमती कस्तूरबा का अमूल्य योगदान था। बच्चों, गांधी जी भारत लौट कर गांधी जी ने राजकोट में बैरिस्टर के रूप में व्यवसायिक बैरिस्टर के रूप में व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया। सौभाग्य से उन्हें इसी समय दक्षिण अफ्रीका में कार्य करने का अवसर मिला। मई सन 1893 में गांधी जी ने अपने मुवक्किल अब्दुल्ला की ओर से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पोर्ट नायडाल डरबर्ट पहुँचे। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने नैटाल के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी और राजनीतिक लक्ष्यों के प्राप्त के लिए नैटाल कांग्रेस का गठन किया। भारतीय समाज के सामाजिक एवं नैतिक उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए और शीघ्र ही वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के विश्वसनीय मार्गदर्शन, सहदय सहयोग एवं उदार मित्र बन गए। अब बच्चों, महात्मा गांधी के बारे में अगर मैं विस्तार से बताऊं बच्चों तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं शॉर्ट में ही इनका विवरण कर देता हूं। सत्य और अहिंसा के पुजारी। गांधी जी का महान मानना है कि नैतिकता में प्रामाणिकता अति आवश्यक है। जो वचन भंग करता है वह दिवालियापन के कृत से कम नहीं है। गांधी जी अहिंसा के कायरता और भय नहीं, साहस और अभय है। गांधी जी कहते हैं कि जिसमें साहस नहीं उसमें धार्मिक विश्वास नहीं, अहिंसा और कायरता साथ साथ नहीं चलते। जब तक युद्ध अभय नहीं हो तब तक सच्ची अहिंसा असंभव है। एक हिंसा का रूप है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में गांधी जी दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। दिल्ली के राजघाट में उनकी समाधि स्थल है। उनके समाधि स्थल पर श्रद्धा का पुष्प चढ़ाने बड़ी संख्या में लोग आज भी आते हैं। गांधी जी के कार्य व्यवहार एवं विचार हमें नैतिक बल प्रदान करते रहेंगे। महादेवी वर्मा ने बापू को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि चीर कर भू व्योम की प्राचीर हो तब की शिलाएं, अग्नि सर की ध्वंस की लहरें गला दे पथ दिशाएं, पग रहे सीमा रहे स्वर रागनी सुने निलय की, शपथ धरती की तुझे और आन है, मानो हृदय की यह विराग हुआ, अमर अनुराग का प्रणाम, हे असीधार पार्थिक प्रणाम। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बच्चों आप जानते ही होंगे, बहुत विश्वविख्यात प्रचलित आदमी थे और बहुत ही ज्ञानी भी थे। बच्चों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 मकर संक्रांति के पूर्ण पर्व के दिन कोलकाता में विश्वनाथ दत्त की पत्नी
विश्वनाथ दत्त की पत्नी भुवनेश्वरी देवी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र अत्यंत पूजा अर्चना के उपरांत हुआ था। सारा घर खुशियों से भर गया। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बालक का नाम नरेंद्र रखा गया। नरेंद्र ज्यों ज्यों बड़ा होता गया त्यों त्यों उसे अधिक लाड़ प्यार मिलता गया। अनेक मनौतियों के बाद जन्मा यह बच्चा जो चाहता सो पाता। नतीजा बालक हट्टी बन गया। उसकी शर्तें बढ़ती गई। शर्तों से तंग आकर माँ कहती कि मैं तो समझती थी कि यह महादेव की देन है, पर वह तो उसके गुणों में से कोई भूत पिशाच जान पड़ता है। नरेंद्र किसी की कोई बात न मानता। एक दिन माँ ने यूं ही कहा, देख अगर तू उधम मचाएगा तो भगवान शंकर तुझे कैलाश नहीं आने देंगे। यह सुनते ही नरेंद्र ने उधम मचाना बंद कर दिया। माँ को अचूक मंत्र मिल गया। जब बहुत तंग करता तो माँ शिव शिव कहकर उसे सिर पर पानी के छींटे देती। इस उपाय से वह तुरंत शांत हो जाता, क्योंकि उसकी शिव में आगाध श्रद्धा थी। घर का वातावरण अत्यंत धार्मिक था। दोपहर में सारे परिवार की स्त्रियां इकट्ठा होती और कथावार्ता कहती। नरेंद्र शांत होकर बड़े ध्यान से इन कथाओं को सुनता। माँ की देखा देखी वह भी शिव पूजा करने लगा। वह मूर्ति के सामने ध्यानमग्न होकर बैठ जाता। बचपन में ही नरेंद्र ने नारायण व महाभारत के अनेक प्रसंग व भजन कीर्तन कंठस्थ कर लिए थे। नरेंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। इसके उपरांत वह भिन्न स्थानों पर शिक्षा प्राप्त करने गए। कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़, घुड़दौड़, तैराकी, व्यायाम उनका शौक थे। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। सुंदर व आकर्षण व्यक्तित्व के कारण लोग उन्हें मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते। घर पर पिता का विचारशील पुरुषों से चर्चा होती। नरेंद्र उस चर्चा में भाग लेते और अपने विचारों से विद्वत मंडली को आश्चर्यचकित कर देते। उन्होंने बीए तक का शिक्षा प्राप्त की। इस समय तक उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। वास्तव में माता पिता ने पुत्र के व्यक्तित्व निर्माण में विशेष भूमिका निभाई, जिससे दिनों दिन उनके व्यक्तित्व का विकास होता गया। दार्शनिक विचारों के अध्ययन से उनके मन में सत्य को जानने की इच्छा जागने लगी। कुछ समय पश्चात नरेंद्र ने अनुभव किया कि उन्हें योग गुरु के सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि जहां एक ओर उनमें आध्यात्मिकता के प्रति जन्मजात रुझान था, वहीं उतना ही प्रमुख बुद्धियुक्त तार्किक, क्योंकि जहां एक ओर उनमें आध्यात्मिकता के प्रति जन्मता का रुझान था वहीं उतना ही प्रमुख बुद्धियुक्त तार्किक स्वभाव था। ऐसी परिस्थिति में
वे ब्रह्मा समाज की ओर आकर्षित हुए। नरेंद्र नाथ का प्रश्न था, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इस प्रश्न के समाधान के लिए वे अनेक धार्मिक व्यक्तियों से मिले, किंतु समाधान न पा सके। ऐसे समय में उन्हें अपने प्रोफेसर विलियम हेस्ट्री के शब्द याद आए। प्रोफेसर हेस्ट्री ने यह बतलाया था कि कोलकाता के समीप दक्षिणेश्वर में एक तेजस्वी साधु निवास करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बच्चों, जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ने इन उद्दिक चंचल और हठी युवक भावी युग प्रवर्तक और अपने संदेहवाहक के पहचान लिया था। उन्होंने टिप्पणी की, नरेंद्र एक दिन संसार को आमोल झकझोर डालेगा। रामकृष्ण अपने असीम धैर्य द्वारा इस युवक भक्त की क्रांतिकारी भावना शमन कर दिया। उसके प्यार ने नरेंद्र की जीत लिया और नरेंद्र ने गुरु को उसी प्रकार भरपूर प्यार और श्रद्धा दी। अपनी महासमाधि से 3-4 दिन पूर्व रामकृष्ण परमहंस ने अपनी साई शक्ति आनंद को दे डाली और कहा, मेरी इस शक्ति से जो तुम में संचालित कर दी है, तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े कार्य होंगे और उसके बाद केवल उसके बाद तुम वहाँ चले जाओगे जहाँ से आए हो। हाँ बच्चों, जहाँ चले जाओगे जहाँ से आए हो का मतलब है कि आप जहाँ से ईश्वर के पास से आए हैं वहाँ चले जाएंगे। अब बच्चों, मैं इनका विवरण बहुत विस्तार में नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में ही कर रहा हूँ बच्चों, ताकि आप समझ लें। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को प्रातःकाल से ही प्रत्यंत प्रभु दिख रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे, पूजा की, शिष्यों के बीच बैठकर रुचिपूर्वक भोजन किया, छात्रों के संस्कृत पढ़ाई और एक शिष्य के साथ बेलूर मार्ग पर लगभग 2 मील चले और भविष्य की योजना समझाई। शाम हुई, सन्यासी बंधुओं के इसने मैं वार्तालाप किया, राष्ट्रों के अनुभव, अभ्युदय और पतन का प्रसंग उठाते ही कहा कि यदि भारत समाज संघर्ष में पड़ा तो नष्ट हो जाएगा। 7 बजे मठ में आरती के लिए घंटी बजी, वे अपने कमरे में चले गए और गंगा की ओर देखने लगे। जो शिष्य साथ था उसे बाहर भेजते हुए कहा कि मेरे ध्यान में विघ्न नहीं होना चाहिए। 45 मिनट बाद शिष्य को बुलाया, जब खिड़की खुलवा दी, भूमि पर बाई करवट चुपचाप लेट गए, ध्यान मग्न प्रतीत होते। घंटे पहर बाद गहरा निश्वास छोड़ा और फिर चिर मौन छा गया और गुरु भाई ने कहा कि उनके नथनों में मुख से आंखों से थोड़ा रक्त आ गया दिखाई था और समाधि में इस तरह उनकी आस्था 39 वर्ष की थी और बच्चों उस समाधि में लीन हो गए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बच्चों आप सुने होंगे, पूरा हमारा देश जानता है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक नगर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ था, जो व्यवसाय से वकील थे। जिसको पश्चात संस्कृतिक
ने प्रभावित कर रखा था। माता का नाम प्रभावती था जो विदुषी थी। पाश्चात्य संस्कृति को प्रभावित पिता जानकीनाथ ने अपने लाडले बेटे को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में शिक्षण ग्रहण के लिए भेजा, जहाँ अंग्रेज बच्चों का बाहुल्य था। सुभाष में इन विद्यालयों की शिक्षा पद्धति का वातावरण के प्रति अरुचि थी। अब बच्चों, शिक्षा दीक्षा। सुभाष चंद्र बचपन में ही मेघावी थे। उन्होंने सन 1913 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और सन 1915 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तदुपरांत स्नातक के लिए अध्ययन काल में प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक अंग्रेजी अध्यापक सीएस ओटेन ने पढ़ते हुए भारतीयों के प्रति घृणा और अपमान दर्शाते हुए कहा कि यदि अंग्रेज भारत में नहीं आते तो भारतीय सदैव असभ्य रहते। स्वाभिमानी सुभाष इस अपमान को सहन नहीं कर सके और इसका कटु विरोध किया। परिणाम स्वरूप उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। सर आशुतोष मुखर्जी की कृपा से 18 माह बाद सुभाष को पुनः प्रवेश मिला और सन 1918 में स्नातक की परीक्षा उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की। सुभाष के पिता उनके भारतीय नागरिक सेवा ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन देशभक्त सुभाष आजीवन अविवाहित रहकर राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे और देश को अंग्रेज से मुक्त कराना अपना सर्वोपरि धर्म समझते थे। फिर पिता की आज्ञा के अनुसार अपने विचारों और भावनाओं के विपरीत उनके इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां उन्होंने अपने पिता के स्वप्न को साकार करते हुए सन 1920 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन भारत में गांधी जी द्वारा संचालित सहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के उद्देश्य से ICS को त्याग पत्र दे दिया। सन 1921 में इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विशाल जन समूह ने प्रदर्शन किया। ब्रिटिश शासन सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक गतिविधियों से अत्यधिक क्रुद्ध था और उन पर शासन विरोधी समाचार प्रकाशित करने का आरोप में सन 1921 में उन्हें 6 माह के कारावास का दंड दिया। सन 1922 में पूरे बंगाल में बाढ़ आई हुई थी। अपने नवयुवक साथियों को लेकर ये बाढ़ पीड़ित की सहायता में लग गए और इस कार्य के लिए उन्होंने 4 लाख रुपए एकत्रित किए। इस प्रकार सुभाष एक महान संगठनकर्ता, आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, कट्टर, देशभक्त, प्रभावशाली वक्ता और प्रबल कर्मयोगी थे। राष्ट्रीय जनमानस में लोकप्रिय राष्ट्रीय नारा जय हिंद सुभाष की ही देन है। आज भी देशवासी उन्हें नेताजी कह के पुकारते हैं। सुभाष ने जनमानस को आह्वान करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तथा जो अन्याय का सामना नहीं कर सकता वह कमज़ोर है। ये सुभाष
जी के अमृत वचन ही भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सुभाष चंद्र बोस के जीवन का आधारित प्रसंग प्रकार है, इस प्रकार है कि भारतीय एक बार भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के सैनिकों को उत्साहित करते हुए बोस ने कहा कि यह सेना भारत की ब्रिटिश पराधीनता से मुक्त कराने वाली ही नहीं बल्कि भविष्य में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सेना होगी। एक समय था कि जब लोगों के विचार में अंग्रेज के साम्राज्य में सूर्य कहीं अस्त नहीं होता और यह साम्राज्य स्थायी है। ऐसे विचारों ने सुभाष को परेशान नहीं किया बल्कि इतिहास ने लिखा दिया कि प्रत्येक साम्राज्य का अनिवार्य रूप से ह्रास और पतन होता है। जो नगर और दुर्ग किसी समय विगत साम्राज्यों के गौरव थे, वे आज कब्रिस्तान बने हुए हैं। आज हम ब्रिटिश साम्राज्य में कब्रिस्तान पर खड़े हैं। इस बात से बच्चा बच्चा सहमत है कि सशक्त ब्रिटिश समाज का भूतकाल भी भूतकाल की चीज बन चुकी है। हाँ बच्चों, सुभाष चंद्र के बारे में हमने पढ़ा और इनसे प्रेरणा लेकर के बच्चों हम कुछ सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।